फ्रेंड्स, आज मेरे घर मुझसे मेरे सब्सक्राइबर मिलने आए हैं जो कि मुरादाबाद से है। जो भी गाइस मैं आज यहां तक पहुंचाऊ ना, वो आपकी बदौलत पहुंचाऊंगा गाइस, और ये मेरा फर्ज बनता है। बेबी वाला ब्लॉग बनाता तो उस दिन तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी क्योंकि मैं उस हालत में थी नहीं। हाँ, तू अपना क्रेडिट लेना चाहती है ना? अच्छा, तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं गाइस। बात ये है कि जो मेला वाला ब्लॉग था उसमें गाइस आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसके लिए बहुत सारे थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने इंस्टाग्राम में मैसेज करा था कि हम आपसे मिल नहीं पाए या फिर हमें शर्म आ रही थी, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये, जो जो अभी नहीं मिल पाया, अभी तो गंगा जी का मेला लगेगा, उसमें मिल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात ये कि जिसको शर्म लगती है तो क्यों शर्माना यार गाइस, मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ और क्या करता हूँ। जो भी गाइस मैं आज यहाँ तक पहुँचाऊ ना, वो आपकी बदौलत पहुँचाऊंगा गाइस, और ये मेरा फर्ज बनता है आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपसे इंटरेक्ट करना। तो गाइस बस शर्माना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है और क्या करना है गाइस। आपके बिना ना मैं इतना सा भी नहीं हूँ, इतना सा भी, क्योंकि जो आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाते हैं ना, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। एंड गाइस, जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें मुझे, क्योंकि हर व्लॉग की अपडेट मैं इंस्टाग्राम में देते रहता हूँ, तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे कब व्लॉग आएंगे, कब व्लॉग नहीं आ रहे और किस रीजन से नहीं आ रहे, वो सब गाइस मैं इंस्टाग्राम में अपडेट देते रहता हूँ। तो जाके प्लीज फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन में आ रही होगी। फ्रेंड्स, बैक टू द व्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज जो चूचू बाबू है हमारा, तो उसकी नाभि छूट चुकी है और उसने आज नहा भी लिया है, दोनों माँ बेटे ने। आज है उसकी छोटी सटी। छोटी सटी का मतलब राणा लोगों को तो पता ही है, जब नाभि छूट जाती है तो छोटी सटी करवाते हैं। सटी मतलब एक टाइप का दावत देना गाइज। हमारे राणा लोगों में एक टाइप का नियम होता है सटी, जिसे कहते हैं। और गाइज हमारे बाबू ने आज पहली बार नहाया ना, तो आज वो इस कमरे में आएगा पहली बार और यहीं पे सोए करेगा। जो जो कुछ होता है सटी वाले दिन वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। अभी तो बाबू को बाहर नहलाया जा रहा है, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स, चूचू नहा ही नहीं कर रहा है। गर्म पानी है, गुनगुना फ्रेंड्स। चूचू ने तो नहा लिया है, ये देखो नहा के तुरंत सो गया बेटा। ओए चूचू। तो फ्रेंड्स आज छोटी सटी है, ये मत समझना नामकरण है। नामकरण होगा ना तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से अभी से ही इनवाइट है आप लोगों को। आज फ्रेंड्स ज्यादा लोगों को तो बुलाया नहीं, क्योंकि आज छोटी सटी है ना, तो ज्यादा लोग नहीं बुलाते हैं। हमने खाली आस पड़ोस के एक दो मेंबरों को बुलाया और ताई ताऊ और दाई मां बस। तो फ्रेंड्स आज शिवानी इतने दिनों के बाद अपने कमरे में सोई गई है। हमारे कमरे में, मतलब हमारे कमरे में। तो कैसा लग रहा है? बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, सच्ची बताऊं। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। बाहर सोते सोते परेशान हो गई थी मैं बहुत ज्यादा, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही कि आज हम अपने बेड में सोएंगे फाइनली। साथ में बाबू तो सोएगा। हाँ, तो आप देखना रात भर। अच्छा, रात भर देखूंगा। हाँ। तो कौन मैं देखूंगी फिर? हाँ, तुम ही तो देखो। इतने दिन देखा तो मैंने, अब आपकी बारी। सॉरी। और कुछ बोलना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबरों को? क्योंकि जब न्यू बेबी ब्लॉग आया था, जब हमारे बेबी आया था ना, तो उसके ऊपर जो हमने ब्लॉग बनाया था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट करा है कि हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। तो कुछ कहना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबरों के लिए? हाँ फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूंगी कि दिन बेबी बेबी वाला ब्लॉग बनाता तो उस दिन तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी क्योंकि मैं उस हालत में थी नहीं, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ। सबको बहुत सारा थैंक यू, और इतने सारे कमेंट के लिए, इतनी प्यारी प्यारी विशेष के लिए बहुत सारा थैंक यू। और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। लो गाइस, हमारा बेटा जग गया, ये देखो, ये जग गया बेटा, जग गया। कपड़े कब पहनाओगे इसके? मम्मी मालिश करेंगी ना, तब पहनाएंगे बेटू। ओ चूचू चूचू, ओह 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 ओह, भूख लग गई इसे, भूख लग गई। अंगूठा चूस रहा, स्टाइल की लेता है इतना, ये पापा कम स्टाइल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ बाग में, और गाइस बाग में ये देखो भैया भाभी आलू बो रहे हैं। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस के आलू बो चुके हैं। ये देखो भैया हमारे,
वो वाला बाग हमारा है। और हाँ गाइस, हमने पॉली हाउस उजाड़ के फेंक दिया है क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं। भैया ने भी उजाड़ के फेंक दिया। क्यों, वो क्या दिख रहा है? नहीं, एक तो उजाड़ दिया आपने तो एक उजाड़ दिया। हाँ, एक उजाड़ दिया ना। वो रहा मेरा बाग और ये भैया का। कितने आलू बचे हैं? थोड़े से बचे। ये देखो भाभी खाद डालनी है। भाभी कौन सी खाद डालते हो यार, ये बताओ तुम। क्या राज है, इतने भारी भारी आलू होते हैं गाइस इनके, पता है? इतने बड़े बड़े। ये जड़ की खाद है, एमपी। एमपी खाद। हम भी तो यही खाद डालते हैं। तो तुम्हारे भी तो होते इतने बड़े बड़े? हमारे नहीं होते इतने बड़े बड़े, पत्थर के जैसे बड़े बड़े। तो फ्रेंड्स, भैया बता रहे हैं कि इनके आलू मतलब बड़े बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या डालते हैं भैया, किसकी खाद डालते हो आप? मशरूम की खाद। मशरूम की? मैं पहली बार सुन रहा हूँ मशरूम की खाद। भैया को सब पता है यार, खेती कर रहे हैं बेचारे, बहुत मेहनती है। हमारे भैया बॉस भाई हैं हमारे, ताई जी के लड़के। एंड गाइस, हमारी चाची भी आलू बो रही हैं। ये देखो, आप कौन सी खाद डाल रहे हो चाची? वो तो मशरूम की खाद डालते हैं एमपी। मैं कुछ नहीं डालती, मेरे आलू वैसे ही हो जाते हैं। वैसे हो जाते हैं? हाँ। अच्छा, बड़े बड़े कुछ तो राज है भैया, कुछ तो डालते होगे इसमें। कुछ नहीं डालते, ऐसे ही हो जाते हैं बड़े बड़े आलू। बोने वाले आलू तो बहुत छोटे छोटे हैं यार, तो बड़े बड़े हम रखते नहीं है ना बोने के लिए। अच्छा गाइस, हमारे साथ एक और चाची भी हैं। भाई सब लोग आज बाग में क्यों लगे पड़े यार, हैं चाची? एक ये चाची भी, ये इधर क्या बोल रहे हो तुम? गोभी और इसमें लगा दी धनिया है। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारा बेबी उठ चुका है। ये देखो, अब इसको मम्मी कपड़े पहना रही हैं। पुराने हैं कि नए हैं? नए वाले हैं। अच्छा, नए हैं। जब वो करेंगे क्या बोलते हैं सटी का नियम, तब नए जोड़ी ले आएंगे। नए नए कपड़े पहनना है बेटा। ओ बेटा, मालिश कर दी इसकी? फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और गाइज, अभी थोड़ी देर के बाद हमारे यहाँ पे जो राणा सटी करते हैं तो वो उसकी पूरी रस्म करेंगे। तो भाई पहले ये देखो, ये चेक करो गाइज, आज तो काजल लगाएगा। क्यों, अब काजल लगाएगा? काजल गाइज, जैसे आज काजल लगाएंगे और नए कपड़े पहनाएंगे। सुबह से नए कपड़े पहन रखे, अब फिर से चेंज करेंगे ना जब उसका रस्म होगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे घर मुझसे मेरे सब्सक्राइबर मिलने आए हैं जो कि मुरादाबाद से है। ये देखो, ये सेंचल है और ये अंकिता है। एक्चुअली में गाइज, ये मेरे सब्सक्राइबर तो हैं ही, सब्सक्राइबर से पहले मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गांव के, मेरे भैया की लड़कियां लगती हैं ये दोनों, वो और ये। और इनको तो जानती हो तो तुम भी ये बताओ, बीच में इसको क्यों बैठा लिया? ये दोस्त है। अच्छा, दोस्त है, इतना बड़ा दोस्त। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा सेंचल, ऐसे आते रहना मिलने। पक्का? हाँ। और सब्सक्राइब करवा रहे मुरादाबाद में? अच्छा, फ्रेंड को बताया था। चलो बढ़िया। और फ्रेंड्स, आज डॉली ने, देखो डॉली और किसने बनाई? मैंने बनाया था, बट अच्छा सीधे बोलना, मैंने बनाया है। हाँ, तू अपना क्रेडिट लेना चाहती है ना? अच्छा बेटा, दिस इज फॉर यू। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था गाइस, ये देखो, ये मुझे अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आया। चल ये तो चल ठीक है, मूंछ वाला हूँ मैं, कार भी है, नेक्सॉन लिखा है। ये चल, ये भी मैं मानता हूँ छोटे का है अमन भाई। लेकिन ये क्या है, अमू व्लॉग्स ऐसे कैसे हो गया, ये टकला कैसे हो गया, कब हो गया ये? बुढ़े में ऐसे कैसे दिखूंगा यार, पागल है क्या? और ये क्या है, इसकी धोती पहना रखी है पीली पीली, रहने दे, मजा नहीं आया। चल यार, तेरे लिए थैंक यू। ले देखिए, ये मैंने बनाया, देखो मेरी ड्राइंग कितनी मस्त है ना। छाप के बना दिया है, छाप के बनाया था, छाप के रहने दे, मैंने देखा नहीं था जैसे। अरे, छाप के बनाया बेटा, तेरी इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे हो सकती है, मैं नहीं सकता। नहीं यार, छाप के नहीं बनाया सच्ची में। ना ना, छाप के ना, किताब में से छाप रही थी एक दिन। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे घर आ गया एक और नया फ्रेंड। ये देखो जैकी ब्रूनो ने जा, खेल ले, खेल ले, खेल खेल ले। ये देखो बहुत पुराने। नहीं तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेले में मिलो,
तो अभी गाइस टाइम है, गंगा जी का मेला है, उसमें मिलेंगे हम। और गाइस मुझे तो मैसेज आ ही रहे थे साथ में भाई, ये देखो डॉली और देखो चेल्सी का मैसेज आ रहे हैं भाई, इनके भी फैन हो चुके हैं यार तो पब्लिक। केली फ्री फायर की केली, केली नाम केली होगा ना, केली नहीं होगा, केली होगा। तो वही थी तो समझ गया, तो मैंने बोला था गंगा जी के मेले में मिल लेना, तो बोला हाँ मिल लूंगी। अच्छा, और एक था इट्स ए हैवान, बोल रहा था कि मैं अम्मू भाई से मिल नहीं पाया नानक मत्ता के मेले में। अच्छा। तो मैंने बोला गंगा जी के मेले में मिल लेना। अच्छा, और भी है हमारे सब्सक्राइबर, और एक एक आयुष नाम का मेरा दोस्त है, तो वो कहाँ रहता है, रामपुर बोला था, कहाँ बोला था, वो बोल रहा था, बुला रहा था, मतलब कि मुझे मिलना है ब्लॉग से, तो आ जाओ मिलने आके। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स ऐसे ही मुझे मैसेज किए जा रहे हैं, मतलब मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मिलने के लिए। तो गंगा जी का मेला है गाइस, कोई नहीं वहाँ पे मीटअप करेंगे, बड़ा अच्छा। मुझसे भी मिलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ भैया, इनके भी बहुत फैन हो चुके हैं गाइस, मैं बताना आपको चाहता हूँ ना, इनके भी बहुत फैन हो गए। ये तीन लड़कियां जो है, ये देखो एक, अरे एक तो मुँह छुपा रही है चेल्सी, तीनों बेटा मेरे वजह से तुम्हें फेम मिल रहा है, नेम और फेम, समझे बेटा। फेमस तो मेरी वजह से हुआ है, मतलब हमारी वजह से। चल ठीक है ठीक है ठीक है, जे कट हो जाएगा। अरे सब खा लूंगा यार, मूड उड़ सब रख दो। तो फ्रेंड्स हमारा खाना बन चुका है और हम खाने भी लगे। तो देखो वो आधे इधर बैठे हैं, आधे इधर, आधे वहां पे। खाना खाने के बाद गाइस हम दिखाएंगे कि रसम कैसी करी जाती है। देखो क्या खा रहे हैं ये लोग, क्या क्या खा रहे हो भाई? मछली। मछली तू क्या खा रही है? मछली तू तो खाती ही नहीं है। मछली खाती नहीं। ये देखो। तो फ्रेंड्स हम सब ने खाना खा लिया है, और गाइस अब मैं दिखाऊंगा कि सटी की रस्म कैसे होती है। तो गाइस बाहर सब लोग बैठ रखे हैं, और चलते हैं और आपको दिखाऊंगा कैसे होती है रस्म। चलो करो रस्म, कौन लगाएगा पहले खाद। तो फ्रेंड्स सटी हो चुकी है, और गाइज अब करते हैं इस व्लॉग की एंडिंग। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ और अपना ख्याल रखो। सो बाय। I'm